मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया, जिसके अंतर्गत 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई हैं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले विजेता प्रतिभागियों को मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया, जिसके अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताओं के माध्यम से संदेश देने का काम किया। 1 सितंबर से 14 सितंबर तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरस्कार देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने सभी रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। मंडल रेल प्रबंधक का कहना था कि पूरे डिवीजन में राजभाषा पखवाड़े के अंतर्गत प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें रेलवे कर्मचारियों के साथ अधिकारियों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हिंदी को बढ़ावा देने के साथ प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी कर्मचारियों को उनकी योग्यता के आधार पर पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में हर वर्ष राजभाषा पखवाड़े के अंतर्गत प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें सभी कर्मचारी भाग लेते हैं। आज उन सभी कर्मचारियों को पुरस्कार दिया जा रहा है। सुनील कुमार सिंह, मुख्य कार्यालय अधीक्षक कार्मिक। श्रीमती सुनीता कुमार, इसके बाद वो बैठी है बाहर। पिंटू जी भेज दीजिएगा। पिंटू, श्री पिंटू अंथोनी, मुख्य कार्यालय अधीक्षक वाणिज्य। मनोज कुमार, आप हैं। पिंटू अनिल कुमार, आरक्षी। एंथोनी, पिंटू एंथोनी। सिक्योरिटी वालों को भेजे। अनिल कुमार, सुशील कुमार जी, सीओएस इंजीनियरिंग। शर्मा जी, डीके शर्मा जी, मुख्य कार्यालय अधीक्षक मुरादाबाद। लोगों एक ही हो जा। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए राजभाषा अधिकारी पुनीत सिंह ने बताया कि पूरे डिवीजन में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। हर वर्ष रेलवे डिवीजन में राजभाषा पखवाड़ा मनाया जाता है। आज राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह हुआ है और मुरादाबाद डिवीजन में, मुरादाबाद मंडल में, हमने 1 सितंबर से 15 सितंबर तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें काफ़ी हमने प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी निबंध, हिंदी वाद प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिताएं करवाईं, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने रुचिपूर्वक भाग लिया था और इन्हीं को आज पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा साल भर जो हमने निरीक्षण के दौरान देखा कि जिन कर्मचारियों ने हिंदी में अच्छा कार्य किया है, सरकारी कामकाज में काफ़ी प्रशंसनीय कार्य किया है या कंप्यूटर पे हिंदी में टाइप वगैरह अच्छा किया है, तो उनको भी आज पुरस्कृत किया गया। क्या मकसद रहता है पूरे कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का एक तो 14, जैसा कि सभी जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया था ये कि सभी संघ के सरकारी कामकाज की राजभाषा जो वो हिंदी होगी। उसी की स्मृति में सन 1954 से ये शुरुआत हो गई कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस सितंबर के महीने में हम कभी किसी कार्यालय में पखवाड़ा, किसी में सप्ताह, किसी में माह, हिंदी माह मनाते हैं और इस तरह एक जागृति पैदा करने के लिए, लोगों में रुझान हो राजभाषा के प्रति, ये करते हैं। इसके अलावा साल भर भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम और कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इसमें ये 14 सितंबर होने की वजह से ये विशेष करते हैं।